राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन की बिल्डिंग है पुरानी, इसीलिए रात को छत का प्लास्टर गिरा, सरिये को जंग लग चुका है, खतरा बना हुआ है। वहीं मेन गैलरी है, इसी से रोगियों को आगे वार्ड के अंदर ले जाने का रास्ता है। कहीं ना कहीं चिंता की बात यही है कि आखिरकार फिर इस गैलरी को बंद कर वैकल्पिक रास्ता खोजा जाए, इसलिए PMO हनुमानगढ़ टाउन के द्वारा वहाँ मौका भी देखा गया है। PMO साहब कभी छत को देखते हैं, कभी मरीज को देखते हैं, चिंता यही है कि आखिर यह छत गिर न जाए। आइए सुनाते हैं कि PMO का इस छत के बारे में और बिल्डिंग के बारे में क्या कहना है, सुनिए। गैलरी का हिस्सा ढह गया था और ये मुख्य गैलरी है अंदर वार्ड के लिए आने जाने के लिए, तो इसका पहले भी PWD ने प्रस्ताव बना के निदेशालय को भेजा हुआ है मरम्मत के लिए। तो बिल्डिंग लगभग 40 साल पुरानी है और अभी PWD से बात हुई है, तो ये कारणों का हम पता लगा रहे हैं और उसके बाद इस PWD से अभी बुलाए हैं मैंने, उनसे बात हुई है विभाग से मेरी, उसके बाद इसका कोई पता चल पाएगा अपने को भी ये सुरक्षित है या इसका कोई अल्टरनेट रास्ता निकाला जाएगा। हम बिल्डिंग पुरानी है, इंजीनियर ही बता पाएंगे इसके बारे में भी इसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है और क्या इसका दूसरी क्या वैकल्पिक व्यवस्था क्या की जा सकती है इस बारे में। राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के छत के प्लास्टर के गिरने और सरियों को जंग लगने के खतरा बनने के मामले में जब PWD एक्सिन से बातचीत की गई, तो आइए सुनाते हैं उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। जिला अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन के अंदर जो सामान्यतः अभी वर्तमान में पिछले 5-4 सालों से जो मरम्मत का कार्य है और जो नई बिल्डिंग का है, वो कार्य सारा NRHM द्वारा करवाया जा रहा है। आज हमें सूचना मिली है PMO के माध्यम से अभी थोड़ी देर पहले कि उसकी एक गैलरी के अंदर छत का कुछ पोर्शन जो है, RV छत है, लगी पुरानी है, उसका कुछ पोर्शन नीचे गिर गया है, तो उसके लिए हमने संबंधित सहायक अभियंता को अभी मौका मुआयना करने भेजा है, जिनके मौका मुआयने के बाद में उसको असुरक्षित घोषित किया जाएगा या क्या स्थिति है उसके हिसाब से रिपोर्ट हम उनको भेज देंगे। और ये बिल्डिंग वैसे प्राइवेट बिल्डिंग थी पहले, बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दी गई थी, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, RV की छत है, तो इसकी स्थिति तो थोड़ी नाजुक है कई जगह पे। और पीछे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक घोषणा की गई थी कि सभी चिकित्सालयों का निरीक्षण किया जाए, तो उसके तहत 11वें महीने के अंदर हमारे द्वारा इसका निरीक्षण करवाया गया था और उसमें 4 प्रायोरिटी में डिवाइड करके एक फोरकास्ट एस्टिमेट भेजा गया था। लगभग 1,21,88,000 रुपये का तकमीना था, जिसमें 26,88,000 रुपये बिजली विद्युत कार्यों के लिए, शेष 4 भागों के अंदर डिवाइड करके बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए थे, तो उसकी अभी स्वीकृति प्राप्त हुई नहीं है। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत ही उसके आगामी कार्रवाई उसके उसमें मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट को निर्णय लेना है। सुरक्षा तो यदि असुरक्षित हुआ तो रास्ता तो बंद करना पड़ेगा, उसमें जो दूसरी गैलरी से किसी से आना जाने का रास्ता देना पड़ेगा उसके अंदर, और बाकी जो इसकी मेंटेनेंस का काम है उसके लिए तो जो बजट है वो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने ही प्रोवाइड कराना है, तो वो जैसे भी NRHM को देंगे या हमारे को PWD को देते हैं, उस हिसाब से कार्रवाई करवा देंगे। PWD के एक्सिन अनिल अग्रवाल के द्वारा कहा गया है कि तकनीकी अधिकारी की देखरेख में इस छत को चेक करवाया जा रहा है और जांच इसकी करने के बाद जो भी स्थिति होगी उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।